और उत्तराखंड के हरिद्वार से है जहां नवनियुक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। बुधवार को उनका ये दौरा रहा हरिद्वार का। हरिद्वार पहुंचे पुष्कर सिंह धामी ने पहले हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पहुंचकर तीर्थ पुरोहित की मौजूदगी में पूरे विधि विधान के साथ माँ गंगा की पूजा अर्चना की, आशीर्वाद लिया। हर की पौड़ी पर माँ गंगा की पूजा अर्चना करने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संतों से भी मुलाकात की। इसके बाद सीएम जगजीतपुर स्थित बीजेपी कार्यालय पहुंचे जहां पहुंचकर उन्होंने कार्यकर्ताओं का अभिनंदन स्वीकार किया और सभी से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने कहा कि माँ गंगा हमारी मोक्षदायिनी और जीवनदायिनी है। हम जब भी अच्छे काम के लिए निकलते हैं या किसी अच्छे काम का संकल्प करते हैं तो हमेशा माँ गंगा का स्मरण करते हैं। मेरी पार्टी ने उत्तराखंड के मुख्य सेवक की भूमिका में उत्तराखंड की जनता की सेवा करने के लिए जो काम दिया है, मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं माँ गंगा का पूजन करूं और हमारे जो साधु संत समाज के लोग हैं, जो हमारे विद्वान हैं, साधु हैं, संत हैं, महात्मा हैं, उनका एक तरह से पूजन उनका भी साथ में करके उनका अभिनंदन करके हम लोग अपनी यात्रा आगे चलाने वाले हैं। इसलिए आज मैं इस माँ गंगा के तट पर आया। हेडलाइंस पर एक बार